स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ लेसन टू क्लास सिक्स स्प्रिंग फेस्टिवल रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स गिवन इन दिस लेसन एंड वी विल ऑल्सो हैव अ ग्लांस अपॉन सम ऑफ द टफ वर्ड्स गिवन इन दिस लेसन. So let's start. Shrug. Shrug means to raise and contract shoulders. अपने कंधों को उचकाना. Herald to come before. शुरू होना. Furious, angry. Shrug, herald, furious. Collide. Collide means to strike against one another. एक दूसरे के साथ टक्कर होना. Indignant, very angry. Pursue, P-U-R-S-U-E, pursue, to follow. Murmur, talk under your breath. यानी फुसफुसा करके बातचीत करना. Accustomed, मतलब used to. किसी चीज का आदि होना. Spacious, lots of room. Lots of space, that is spacious. Stern, stern means strict, kathor. Banish, to abolish. Banish का अर्थ होता है वनवास. Effigy, effigy का अर्थ क्या होता है? A crude image or statue of someone. पुतला या फिर किसी भी मूर्ति का प्रारूप, शुरुआती दौर का जो मूर्ति बनी हुई होती है उसको इफिजी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. द क्वेश्चन नंबर 1A इज आंसर हु वाज अनिल रियली अ स्नॉब. क्या अनिल घमंडी था? द आंसर इज वेरी सिंपल, नो. अनिल वाज नॉट अ स्नॉब. नहीं, अनिल घमंडी नहीं था. Now let's move to the question number B. And the question number B is, how does the narrator describe the festival of Holi? यानी narrator ने होली को किस रूप में describe किया है, वर्णन किया है? The answer will be, according to narrator, Holi is not merely festival of playing with colors. होली सिर्फ रंगों से खेलने का त्यौहार नहीं है. इट इज ऑल्सो हेराल्डेड एज द हिंदू न्यू ईयर. इसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है. वेन द नेचर इज बॉर्न अगेन, जब प्रकृति का पुनर्जन्म होता है. ब्लॉजमिंग आउट इन कलर एंड म्यूजिक. और जब प्रकृति का पुनर्जन्म होता है तो खूबसूरत रंगे वो प्रकृति बिखेरने लगती है. और उसी के आगमन में हम लोग रंगों का, विभिन्न रंगों का और संगीत का प्रयोग करते हैं. तो होली वसंत के आगमन का प्रतीक है. ये वसंत ऋतु का त्यौहार है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी. सॉरी, द क्वेश्चन नंबर सी इज, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ अनिल बिफ्रेंडेड द नैरेटर. आपको संक्षेप में बताना है कि अनिल जो है वो नैरेटर के साथ कैसे दोस्त बन गया. लेट्स हैव अ ग्लांस अपॉन द आंसर. द मीटिंग ऑफ नैरेटर लॉरी विद अनिल वॉज नॉट दैट मच प्लेजिंग. शुरुआती दौर में जब लॉरी की मुलाकात, यानी जो नैरेटर है लॉरी, उसकी मुलाकात जब अनिल के साथ होती है तो उतना अच्छा नहीं था. Anil had bumped the narrator with his bicycle. This had made the narrator angry. Anil ने अपने साइकिल से नैरेटर को ठोक कर मार दिया था और इस वजह से नैरेटर काफ़ी गुस्सा में था. But to be friend with लॉरी, लेकिन लॉरी के साथ दोस्त बनने के लिए अनिल proposed to have चाट. अनिल ने चाट खाने का प्रस्ताव रखा. This चाट meeting, चाट खाने का ये meeting and its flavor, और इसका जो फ्लेवर था, ये यानी चाट ने ही अनिल और
लॉरी के बीच में दोस्ती उत्पन्न करे. फ्लावर हेल्प नरेटर टू बी अनिल्स फ्रेंड. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर डी. एंड द क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाई वाज द नरेटर रिलक्टेंट टू हैव चाट. अब जो नरेटर है वो चाट खाना क्यों नहीं चाहता था. आंसर इज नरेटर वॉज रिलक्टेंट टू हैव चाट बिकॉज हिज स्टमक वॉज नॉट एक्सटम्ड टू इट. नरेटर चाट इसलिए नहीं खाना चाहता था क्योंकि उसका पेट जो था इस प्रकार के स्वादों से बिल्कुल अनभिज्ञ था. उसने कभी खाया ही नहीं था. इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट द नरेटर वॉज अनअवेयर ऑफ द फ्लेवर ऑफ चाट. यानी नरेटर जो था वो चाट के इस स्वाद से बिल्कुल अलग था, अनभिज्ञ था, माफ करेंगे, सॉरी, ही वॉज अनअवेयर, मतलब वो बिल्कुल अनभिज्ञ था. इस वजह से वो जो है वो चाट खाना नहीं चाहता था. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई इज व्हाट प्रिपरेशन डिड अनिल बिगिन टू मेक फॉर द फेस्टिवल ऑफ होली. अब होली की कौन सी तैयारी अनिल जो था वो करने लगा था. अनिल फैशन्ड A sort of bicycle pump from a piece of bamboo. अनिल ने ठीक बाइसाइकिल के पंप के जैसा बांस का बना हुआ एक पंप बनाया और एंड ट्राइड आउट विद वाटर और उसको फिर पानी में डुबा करके खींच करके देखा. विच वर्क और ये काम कर गया. सो दस ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ पिचकारी मेड अप ऑफ बंबू. तो अनिल क्या करना चाहता था, अनिल एक पिचकारी बनाना चाहता था, वो भी किस चीज का, मेड अप ऑफ बंबू, यानी बांस से बनी हुई वो पिचकारी बनाना चाहता था. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर एफ. द क्वेश्चन नंबर एफ इज व्हाई डिड द नरेटर्स फादर से ही कैन लुक आफ्टर हिमसेल्फ नाउ. नरेटर के फादर ने ये क्यों कहा कि वो अब अपनी देखभाल खुद से कर सकता है. सो लॉरी द नरेटर हैड बीन विद हिज फ्रेंड होल डे. लॉरी जो था वो अपने दोस्त के साथ पूरे दिन रहा, रोमिंग अक्रॉस द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमता हुआ, सिंगिंग एंड डांसिंग, गीत गाता हुआ, नाचता हुआ ऑन होली सॉन्ग्स, होली के गीतों पर गली गली घूमता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ. लॉरीज फादर रिमार्क दैट ही कुड लुक आफ्टर हिमसेल्फ. लॉरी के जो पापा थे उसके पिताजी ने रिमार्क किया कि वो अब अपनी देखभाल कर सकता है. इसके पीछे उनका मकसद ये था, विच सेज दैट लॉरी हैड ग्रॉन इनफ. लॉरी जो था वो अब शायाना हो गया था टू बी फ्रेंड विद स्ट्रेंजर्स. वो किसी भी अजनबियों के साथ दोस्त बन सकता था एंड टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, और अपनी अच्छी तरीके से देखभाल भी कर सकता था. सो दैट्स वाई द नरेटर्स फादर हैड रिमार्क्ड दैट ही कुड लुक आफ्टर हिमसेल्फ. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर जी. लेट्स हैव अ ग्लांस अपॉन द क्वेश्चन नंबर जी. The question number G is, do you think the narrator was a friendly sort of a person? How do you know? क्या आपको लगता है कि narrator जो था यानी लॉरी जो था वो एक friendly व्यक्ति था? How do you know? और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो चलिए आंसर की तरफ चलो. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर नंबर G. Yes, narrator was friendly sort of person. हाँ, नरेटर जो था वो फ्रेंडली था. बम्प्ड बाय अनिल ही वॉज अ लिटिल बिट एंग्री. अनिल के द्वारा ठोके जाने पर यानी साइकिल से ठोक दिए जाने के बावजूद वो थोड़ा गुस्सा तो था बट डिडंट क्वारल विद देम.
लेकिन उसने अनिल के साथ झगड़ा नहीं किया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द फ्रेंडली मैनर ऑफ अनिल। वो अनिल के दोस्ताने व्यवहार से प्रभावित हो गया था। एंड सो दे बिकेम फ्रेंड्स, और इस प्रकार से वो दोस्त बन गए थे। सो स्टूडेंट्स, आई डू होप दिस दिस इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।